हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि काफ़ी सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि अगर यूज़ गाड़ी लें तो क्या क्या चेक करना चाहिए यूज़ गाड़ी लेने के टाइम पे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इतना सारा मतलब सर्च हो रहा है इंटरनेट पर, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, चाहे आप कार ओनर हो चाहे आप टेक्नीशियन हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। अगर आप टेक्नीशियन हो तो हो सकता है आपके पास कार ओनर आए जिसको गाड़ी लेना है, आपकी हेल्प चाहता हो कि भाई गाड़ी लेना है मुझे, आप चेक करके बताओ गाड़ी में क्या क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, या फिर आप अगर कार ओनर हो, दूसरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि गाड़ी लेने के टाइम पर क्या क्या चेक करना चाहिए, तो ये लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि गाड़ी लेने के टाइम पर टेक्निकली क्या क्या चेक किया जाता है, पेपर और गाड़ी का डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्ट, ये सब पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा वो फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड है टेक्निकल इश्यूज़ पे बात करना। ठीक है, तो इसे पे हम बात करेंगे, गाड़ी लेने के टाइम पे आपको टेक्निकली गाड़ी में क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी है गाड़ी में, जिसको देख के हम ले सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो बुरी है, जो अगर एक गाड़ी में दिखे तो उस गाड़ी को लेना अवॉइड करना चाहिए, यही हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इन जनरल बात करूंगा, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसा होता है स्पेसिफिक गाड़ियों में स्पेसिफिक इश्यूज भी होते हैं, तो वो अगर स्पेसिफिक इश्यूज चेक करना जाएंगे, अगर आपको स्पेसिफिक गाड़ी पे बात करना है तो उसके लिए मुझे कोई अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई अगर आप स्कोडा की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, और ह्यूंडई की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, फोर्ड की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग वीडियो बन सकता है। ऐसा होता भी है कि अगर आपको स्कोडा की गाड़ी लेने जा रहे हो और इतने किलोमीटर की चली हुई गाड़ी है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, और ह्यूंडई की गाड़ी में लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, तो मैं ऐसा इस वीडियो में ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल बात करूंगा कि इन जनरल अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गाड़ी लेने के टाइम पे गाड़ी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, ये भी डिपेंड करता है प्रेफरेंसेस पे, आपके प्रेफरेंस क्या है। मतलब किसी को ये चाहिए होता है कि चलो इंजन में काम रहेगा चला लेंगे, लेकिन बॉडी में काम नहीं होना चाहिए। किसी का प्रेफरेंस ये होता है कि बॉडी में काम कितना भी हो चला लेंगे, लेकिन इंजन में काम नहीं होना चाहिए। तो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है दोस्तों। किसी का प्रेफरेंस ये होता है कि काम भले कुछ भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। तो हर किसी इंसान की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि भाई गाड़ी आपको चेक कैसे करनी है, और गाड़ी आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको आप चेक कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंजन और बॉडी चेसिस के बारे में बात करेंगे, इन दो चीज़ों में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और क्या क्या आपको देखना चाहिए। ठीक है, गाड़ी का बोनट खोलता हूँ मैं, और गाड़ी का मतलब एक क्या बोलते हैं राउंड अप करेंगे, घूमेंगे गाड़ी के चारों तरफ और देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाओगे ना, सबसे पहली चीज़ अगर आप उस पर चेक करोगे गाड़ी में क्या इशू है, तो सबसे पहले आपको क्लस्टर मीटर में देखना है। गाड़ी ठंडी गाड़ी में अगर आप इग्निशन ऑन करोगे तो सारी लाइटें क्लस्टर मीटर पे आनी चाहिए। मेनली दो तीन लाइटें हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कौन सी मेन लाइटें हैं वो जो आपको ज़रूरी है वो चेक करना। एक है आपकी ऑयल लाइट और MI लाइट, और दो तीन लाइटें हैं जो अलग अलग गाड़ियों में हैं वो जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो चेक करना। ठीक है, वो इग्निशन ऑन पे आनी ही चाहिए, और फिर उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये ऑन सारी लाइटें मतलब इंजन ऑन होने के बाद में चली जानी चाहिए ये लाइटें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना चाहिए पहला स्टेप। उसके अलावा दोस्तों, किसी गाड़ी में ये इंजन टेम्परेचर गेज होता है, किसी गाड़ी में टेम्परेचर की लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है और एक रेड लाइट होती है।
थोड़ा दूर चलने के बाद में मतलब 15-20 सेकंड अगर 15-20 मिनट आप गाड़ी घुमाओगे चलाओगे ना, तब यहाँ पे अगर वो लाइट रेड कलर की लाइट जलती है तो समझो इंजन में प्रॉब्लम है, या फिर ये जो हमारा जो टेम्परेचर गेज दिया हुआ है इंजन टेम्परेचर ये हाफ के ऊपर जा रहा है तो प्रॉब्लम है समझना। अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो गाड़ी में इश्यूज है, वो आप कस्टमर को या मतलब कस्टमर को बोल रहा हूँ जिसकी भी गाड़ी है उसको बताइए कि भाई ये गाड़ी में ओवरहीट हो रही है, उसकी ये पहले क्या है इशू चेक कराइए उसके बाद ही आगे बढ़िए ठीक है। देखेंगे इंजन में क्या क्या आपको देखना चाहिए ठीक है, ये जानते हैं कि इंजन में क्या क्या आपको कैसे समझ में आता है कि इंजन गाड़ी का खुला है या नहीं खुला है। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि जो भी गाड़ी आप लें वो गाड़ी में इंजन गाड़ी का खुला नहीं होना चाहिए ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो जो कुछ समझो 40-50-60 हज़ार के ऊपर चली हुई गाड़ी है तो उस गाड़ी का ज़्यादातर चांसेस होता है उस गाड़ी का इंजन मतलब वीक हो, उसका कंप्रेशन वीक हो ठीक है। तो आप अगर डायरेक्टली किसी कस्टमर से गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसमें आपको मतलब कोई स्पेशल टूल्स तो यूज़ नहीं करोगे कि गाड़ी का इंजन कैसा है चेक करने के लिए, तो आपको मतलब अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि अगर समझो गाड़ी 60 हज़ार के ऊपर चली है तो हो सकता है चांसेस है कि गाड़ी का कंप्रेशन वीक है और वो आपको गाड़ी का इंजन ओवरऑल करना पड़ सकता है। लेकिन ह्युंडई की टोयोटा की गाड़ियों में ज़्यादातर गाड़ियाँ 60 हज़ार नहीं 1-1,20,000 भी चल जाती हैं, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ होती हैं या डीजल गाड़ी होती है जिसमें इंजन का कंप्रेशन वीक हो जाता है 60 हज़ार के बाद में, या CNG की गाड़ियाँ जो होती हैं CNG पे चली हुई जो गाड़ियाँ होती हैं वो 60 हज़ार के बाद उनका इंजन डेफिनेटली खोलना ही पड़ता है, उनका कंप्रेशन वीक होता है ठीक है। तो 60 हज़ार के ऊपर चली हुई गाड़ी अगर लेने जा रहे हो आप तो आप उस गाड़ी का इंजन खोलना पड़ेगा ये समझ के चलिए ठीक है, अगर वो CNG गाड़ी है तो। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो आपको सबसे पहली बात ये जानना है कि गाड़ी का किलोमीटर कितना चला हुआ है, गाड़ी मतलब रफ़ चली हुई दिख रही है या नहीं दिख रही हुई है। उसके बाद फिज़िकल इंस्पेक्शन अगर करोगे तो आप इंजन में आपको ये कैप खोल के देखना है, यहाँ पे इंजन का स्लज होता है ठीक है। अगर इसमें जो है इंजन के अंदर के जो चीज़ें हैं दिख रही हैं चमक रही हैं अच्छे से तो इसका मतलब इंजन आपका इंजन के अंदर स्लज नहीं है, तो वो गाड़ी का ऑयल सही से जैसे इस गाड़ी में शायद से आपको दिख रहा होगा इस गाड़ी में अंदर की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे ठीक है। तो ऐसा होता है कुछ गाड़ियों में टैपिट का और मतलब ऐसे गैप मतलब ऐसे ये फिल रहता है वो अंदर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उस गाड़ी में ऐसा आपको उंगली से देखना है कि इसमें स्लज तो नहीं है, ऐसा उंगली में लग जाता है कई बार तो स्लज देखना है। अगर गाड़ी के इंजन में स्लज होता है तो ज़्यादातर केसेस में ये जो है आपका ऑयल गेज है इसमें भी स्लज लगा होता है, जैसे इसका क्लीन है एकदम, अगर इंजन में स्लज होगा तो ऑयल गेज में भी स्लज आ जाता है ठीक है। एक तो रही बात ये, और दूसरा इंजन अगर खुला है या नहीं खुला है वो आपको चेक करना है। तो ये जो है जो सीलेंट दिखाई दे रहा है ये तो समझो मतलब आपको मैं आपको ऐसे अंदर घुसा के दिखा देता हूँ, चाहिए तो कैमरे को एकदम अंदर घुसा देता हूँ। ये जो सीलेंट दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ये सीलेंट जैसे आपको एकदम लाइन लेवल से सीधा दिखाई दे रहा है ना दोनों कवर दोनों केसिंग के बीच में, और ये जो है यहाँ पे ये कंपनी का सीलेंट है ठीक है। अगर ये सीलेंट आड़ा टेढ़ा होगा या कोई और कलर का है, ये जैसे इसमें ओरिजिनल कलर ग्रे कलर का आता है, जैसे इंजन का जो कलर है ना अपने केसिंग का उसी तरह का ग्रे कलर का कलर रहता है उस सीलेंट का, लेकिन अगर उसकी जगह पे ब्लैक कलर यूज़ हुआ है या कोई और कलर ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का ऐसा कोई कलर का सीलेंट यूज़ हुआ है तो समझ जाइएगा वो खुला हुआ है इंजन ठीक है। इंजन ने तो एटलीस्ट टाइमिंग कवर तो खुला है, उसके अलावा इन जितने भी इंजन के बोल्ट्स रहते हैं ना इन पे पानी के मार्क्स होते हैं, और ये इनलेट मैनिफोल्ड के जो कवर हैं इसके ऊपर भी मार्क होते हैं, ये जो हमारा टैपेट कवर है इसका जो सीलेंट पे सीलेंट लगा होता है टैपेट कवर के अलावा सीलेंट लगा हुआ था, तो उससे भी अपने को समझ में आता है कि भाई इंजन इसका खुला हुआ है ठीक है। और सेम गोज़ विथ गियरबॉक्स मैं आपको साइड बाय साइड और दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा सामने से, तो गियरबॉक्स भी अगर आप चेक करोगे ना तो उसमें भी एक दोनों केसिंग के बीच में सीलेंट का मतलब एप्लीकेशन होता है जो ओरिजिनल और
यूज वाला मतलब नेक्स्ट मतलब आफ्टर मार्केट जो सीलेंट लगाते हैं उसमें डिफरेंस आपको समझ में आता है, ठीक है। अभी इसमें है ये बोल्ट देखिए आप, इसमें ज़रा भी कोई पानी का मार्क नहीं है, इन बोल्टों में कहीं भी पानी का मार्क नहीं है। अगर ये खुले होते ना तो इनमें पानी का मार्क होता है या सीलेंट अलग होता है, तो अपने को समझ में आता है कि हाँ इसका इंजन खुला हो सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों सीलेंट का जो कलर होता है ना वो हर गाड़ी का ज़रूरी नहीं कि सेम ही हो, किसी गाड़ी का अलग होता है, किसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी में ये सीलेंट का कलर रेड भी आता है, ठीक है। तो आपको ये पता करना ज़रूरी है कि ये सीलेंट सेम कलर का यही कलर का आता है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है मैन्युफैक्चरर रेड कलर का भी देते हैं, जैसे टोयोटा की गाड़ी में वगैरह में रेड आता है, ह्यूंडई में भी पहले ब्लू कलर का सीलेंट आता था इंजन या गियरबॉक्स में। तो आपको वो जानना ज़रूरी है सीलेंट को जज करने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो सीलेंट का मतलब लाइन लेवल और उसकी फिनिशिंग से समझ में आता है इंजन खुला है या नहीं खुला है। दोस्तों इंजन में सीलेंट और बोल्ट के मार्क के अलावा इंजन में आपको ये भी देखना होता है कि इंजन की जो सारी फिटमेंट्स है ना, जैसे इसके वायर हैं, ये जो एक एक क्लिप इंटैक्ट है, ये सब कंपनी से ही आ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर इंजन जब भी खुलेगा कहीं पर भी खुलेगा, OEM में भी खुले या किसी लोकल गैरेज में खुलेगा ना, ये सारे चीज़ें इंटैक्ट नहीं होती हैं, कोई ना कोई टूटा हुआ या फिर आड़ा टेढ़ा फिटिंग हुआ वो समझ में आता है तब तक जब तक कि कोई बहुत अच्छा टेक्नीशियन ने उस पर काम नहीं किया हो ना, तब तक वो बहुत आसान होता है कि समझ जाना कि ये बाहर खुला हुआ है या इंजन इसका खुला हुआ है। इन सब वायरिंग के लाइन लेवल से फिटिंग से समझ में आता है कि इंजन खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है दोस्तों। ये तो रही बात फिज़िकल देखने की, मतलब इंजन खुला है या नहीं खुला है। और अभी हम चेक करेंगे गाड़ी में स्मोक के रिलेटेड, अगर इंजन में अगर स्मोक है तो ये कैसे समझ में आएगा कि इंजन का कंप्रेशन वीक है, बैक कंप्रेशन मार रहा है या नहीं मार रहा है, ठीक है। आपको गाड़ी चालू करना है, गाड़ी चालू करके गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लाना है, ठीक है। जैसे ये है नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लाना है इंजन को, या पहले तो आपको ठंडे में भी चेक करना है कि गाड़ी अगर इंजन कोल्ड है, ये टेम्परेचर गेज जो है ये नीचे भी होना चाहिए, उस टाइम पे भी आपको चेक करना है, और नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे भी ला के चेक करना है, दोनों में ही चेक करना है। वो क्या चेक करना है बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो है हमारा कंप्रेशन क्या बोलते हैं ऑयल डिपस्टिक है, यहाँ से निकालना है। अगर ये आइडल में भी यहाँ से धुआं मार रहा है, ठीक है, अगर ये धुआं मार रहा है तो समझ लीजिए कि इंजन का कंप्रेशन वीक है, इंजन बैठा हुआ है, इंजन का काम करना पड़ेगा। ज़्यादातर यहाँ से ब्लू स्मोक मारता है, ब्लू स्मोक अगर पेट्रोल गाड़ी है तो ब्लू स्मोक ही मारेगा, डीजल गाड़ी है तो हो सकता है ब्लैक स्मोक भी मारे, तो यहाँ से ब्लैक स्मोक नहीं आना चाहिए, इवन डीजल गाड़ी भी होगी तब भी। लेकिन कुछ ऐसा होता है VW की गाड़ियों में, स्कोडा की गाड़ियों में यहाँ से नॉर्मली आता ही है, क्योंकि उनका PCV जो सिस्टम है, PCV पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन जो होता है, उनका जो वॉल है, उनका जो पाइप है, वो उसमें मतलब इंजन के थ्रू उधर से ही गया होता है, उसका कनेक्शन यहीं से होता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से आपको धुआं नज़र आता है। तो वो VW स्कोडा की गाड़ियों में नॉर्मल है यहाँ से आना, थोड़ा सा धुआं अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उनमें भी, अगर VW स्कोडा की गाड़ी है तब भी बहुत ज़्यादा अगर धुआं आ रहा है तब भी प्रॉब्लम है, समझ लीजिए। लेकिन पेट्रोल गाड़ी में तो बिल्कुल यहाँ से धुआं नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। हाँ, अगर किसी किसी गाड़ी में ये जो पाइप है डिपस्टिक, ऑयल डिपस्टिक नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट टैपेट कवर के ऊपर लगा होता है डिपस्टिक, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ से ऑयल आता है, कई बार रेस करने पे या नॉर्मली आइडल में भी यहाँ से ऑयल फेंकेगा। वो जाहिर सी बात है ये पाइप जो है अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब इंजन घूम रहा है, इंजन के अंदर के पार्ट कैमशॉफ्ट घूम रहा है तो ऑयल फेंकेगा, वो नॉर्मल सी बात है। तो अगर यहाँ से ऐसा कोई इंजन है आप देख रहे हो, जैसे महिंद्रा की मराजो में डायरेक्ट टैपिट के ऊपर से ये दिया हुआ है, डिपस्टिक दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑयल फेंक रहा है तो वो नॉर्मल सी बात है। अगर यहाँ ऑयल है, यहाँ पे प्रेशर आपका अलग से दिया हुआ है, पाइप के साथ में डिपस्टिक दिया हुआ है, और यहाँ से थोड़ा ऑयल अगर थोड़ा या ज़्यादा ही आता है, अगर ज़्यादा ऑयल फेंक रहा है तब तो समझो प्रॉब्लम है, अदरवाइज यहाँ से ऑयल आने का कोई चांस ही नहीं है, धुआं नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इससे समझ में आता है अपना इंजन का हेल्थ कैसा है। दोस्तों इंजन चेक करने के, इंजन का इंस्पेक्शन करने के टाइम पे एक और पॉइंट है, वो बहुत ज़रूरी है, वो चेक करना
इंजन में देखना होता है कि कोई नॉइज एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं आ रहा है। ऐसे हो सकता है कि नॉर्मल मतलब इंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक क्लिकिंग साउंड इंजन से आ रहा है तो अपने को लगता है कि हाँ ये इसमें इंजन में कुछ इशू है, लेकिन हो सकता है वो नॉर्मल हो। तो उसके लिए एक मतलब एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत होती है, तो शायद हो सकता है उसके लिए आपको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़े। अदरवाइज आपने पहले उस तरह की उस मॉडल की गाड़ी चलाई है तो आप समझ पाओगे कि ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो इंजन नॉइज़ भी चेक करना ज़रूरी है, हो सकता है कनेक्टिंग बेयरिंग या इंजन में किसी और तरह का टाइमिंग का नॉइज़ हो, तो वो एक पॉइंट है, वो ज़रूरी है चेक करना। तो ये तो रही इंजन की बात दोस्तों, इंजन खुला है नहीं खुला है, इंजन में काम है नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं बॉडी से रिलेटेड, चेसिस से रिलेटेड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में मतलब रस्टिंग तो होता है, रस्टिंग वो कितना है, कितना मतलब चलने लायक है नहीं है, वो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। कई बार रस्टिंग ऐसे छोटी सी जगह पे होती है जो हमारे गाड़ी के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती है, तब भी हम वो गाड़ी लेने से इनकार कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे अगर कहीं से मतलब ये पतरा है, ये पतरा अगर रस्टिंग है, ये जो पतरा निकलने वाला है बोल्टेड है, हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसमें रस्टिंग है, तो प्रॉब्लम क्या है, वो हम चेंज कर सकते हैं, वो गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रस्टिंग ऐसी जगह पे है जो गाड़ी का मतलब मेन पार्ट है, गाड़ी के स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर वहाँ पे अगर रस्टिंग है तो भले ही वो रस्टिंग छोटा ऐसा क्यों ना हो, वो हम लोगों को लेने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, मेजरली गाड़ियों में एक तीन पार्ट होते हैं, तीन एक्चुअली चार पार्ट होते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, राइट साइड का मिडिल पार्ट होता है, जैसे ये जो है हमारा दोनों पिलर, और एक लेफ्ट साइड का मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, और एक फ्रंट स्ट्रक्चर होता है, फ्रंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और पीछे होता है बैक वाला, मतलब पीछे जो स्ट्रक्चर होता है गाड़ी के, पीछे जो भी स्ट्रक्चर होता है वो बैक स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रंट स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी है चेक करना। सबसे मेन होता है एप्रन, ये एप्रन पे कहीं भी रस्टिंग या एप्रन रिप्लेस भी होता है, अगर गाड़ी ठोकी होती है ना, गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, तो ये यहाँ पे जो ये ओरिजिनल सीलेंट है ना, ये सीलेंट ऐसे नाखून से दबाओगे ना तो ऐसे दबेगा नाखून से, लेकिन अगर ये नकली सीलेंट होगा ना तो फट जाएगा नाखून से, वो सीलेंट टूट के गिर जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनल सीलेंट होगा जैसा कि ये है, एकदम देखिए अब इसके ऊपर जो स्पॉट वेल्डिंग है एकदम फिनिशिंग से है। ठीक है, और ये जो सीलेंट है ये एकदम फिनिशिंग से OEM का है, ये जो स्पॉट्स हैं ये एकदम फिनिशिंग से है, यहाँ अंदर के देख रहे होगे आप, ये जो स्पॉट्स हैं ये ओरिजिनल हैं, ये हमारा जितना भी फिटिंग है इंजन से रिलेटेड का वो सारा ओरिजिनल दिख रहा है, कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी टुका हुआ है, मतलब ठोक पीट किया हुआ है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ओरिजिनल दिख रहा है। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके अलावा रस्टिंग स्ट्रक्चर पे नहीं होना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा स्ट्रक्चर कितने हैं, वो स्ट्रक्चर पे कहीं पे भी रस्टिंग नहीं होना चाहिए, मेजर रस्टिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत माइनर रस्टिंग है उसको क्लीन करने से अगर वो छूट जा रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर मेजर रस्टिंग है तो वो गाड़ी थोड़ा सोच समझ के लिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो लेग है ये हाँ इसको कहते हैं लेग, ये लेफ्ट का भी लेग होता है राइट का भी लेग होता है, ये दोनों लेग हैं, लेग बैंड होना नहीं, क्योंकि जब भी गाड़ी ठुकती है ना अपनी तो यहाँ से ऐसे ठुकती है, ये लेग बैंड हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अलाइनमेंट है, ये जो टायर है यहाँ पीछे चले जाता है, तो आप जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको चेक करना है कि ये जो गैप है दोनों साइड में इक्वल है या नहीं है, दोनों साइड यानी दोनों साइड का टायर, लेफ्ट एंड राइट का टायर, ये जैसे इसमें तीन उंगलियाँ जा रही हैं अपनी, उसी तरह से सेम इसमें भी तीन उंगलियां जानी चाहिए दोनों साइड के टायर में, जैसे इसमें थोड़ा सा गैप आगे है, मतलब ये माइनर सा डिफरेंस चल जाता है। कई बार होता है हमारा जो सस्पेंशन के पार्ट भी बेंड होते हैं जिसकी वजह से उसमें गैप आता है, तो वो पहले अगर ज़्यादा ड्रास्टिक गैप है उसमें तो बताइए कि भाई इसमें गैप लग रहा है, क्या इशू है, ज़रा चेक करके बताइए। ठीक है, तो वो चेक करना है। ये एप्रन कहीं से भी दोनों लेग है इसमें, इस गाड़ी में तो ये जो फाइबर वाला दिया है ना रेडिएटर सपोर्ट, कोई कोई गाड़ियाँ होती हैं जिनमें मेटल के होते हैं, अपर सब मेंबर, लोअर मेंबर, सेंटर मेंबर भी होता है, वो सारे वेल्डेड होते हैं,
वो कहीं से भी बैंड ठुके हुए या वेल्डेड नहीं होने चाहिए। फ्रंट स्ट्रक्चर का एक अहम पार्ट होता है दोस्तों कॉल टॉप। ये कॉल टॉप अगर ये तो प्लास्टिक है, कॉल टॉप कवर है, उसके नीचे होता है ये कॉल टॉप के अंदर एक होता है जो हमारा इंजन और कैबिन को सेपरेट करता है। ये फायरवॉल है, फायरवॉल के ऊपर जस्ट कॉल टॉप होता है। जो भी बारिश का पानी वगैरह गिरता है ना यहाँ अंदर जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन अगर उसमें अगर रस्टिंग होगा या होल होगा ना तो अंदर पानी जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है चेक करना। अगर आपके पास टाइम मिलता है कुछ, अगर अवला जिसकी गाड़ी है वो अलाउ कर रहा है तो आप इसको ये कॉल टॉप को ज़रूर मतलब एक बार खोल के चेक कराइए अंदर, यहाँ पे रस्टिंग होता है या नहीं होता है देखिए। अगर रस्टिंग है तो फिर वो गाड़ी आपके लायक नहीं है या फिर उसको आपको कराना पड़ेगा काम, ये समझ के चलिए, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट है वो भी। और ये जो है हमारा पिलर्स, ये पिलर्स चेक कर रहे हैं आपको। ये जो स्पॉट वेल्डिंग दिख रही है ना एकदम कंपनी की एकदम फिनिशिंग वाली, ये होनी चाहिए। अगर ये स्पॉट वेल्डिंग नहीं है डायरेक्ट जैसे मतलब यहाँ से यहाँ पे जो ये जो पंचेस दिख रहे हैं ना, ये पंचेस अगर नहीं दिख रहे हैं पूरा प्लेन दिख रहा है तो मतलब समझो कुछ गड़बड़ है। ये सारे मतलब पिलर हमारे ओरिजिनल दिखने चाहिए। इवन कि रनिंग बोर्ड में भी नीचे भी पंचेस होते हैं, यहाँ से रनिंग बोर्ड के खुले हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पीछे हमारे डिक्की के यहाँ पे भी पंचेस होते हैं नीचे से। कई बार होता है कि मतलब जैसे इसमें दिख रहा होगा, शायद से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पंचेस हैं, देखिए ये पंचेस हैं, ये ओरिजिनल पंचेस हैं, ये ख़राब नहीं होने चाहिए। मतलब अगर वेल्डिंग किया हुआ रहता ना तो ये पंचेस दिखाई नहीं देते, ये सारे पंचेस आपको देखने होते हैं। देखिए ये जैसे क्वार्टर पैनल पे यहाँ पे पंचेस दिख रहे हैं ना, ये पंचेस होते हैं, ये आपको देखने हैं। अगर वेल्डिंग किया हो रहेगा ना ये पंचेस आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको मतलब पूरा प्लेन दिखाई देगा। ये सारे चीज़ों से समझ में आता है गाड़ी हमारी एक्सीडेंट है या नहीं है। ये बीडिंग आसानी से खींच जाती है दोस्तों, निकल जाती है, लेकिन किसी किसी गाड़ियों में आसानी से नहीं निकलती है, जैसे VW स्कोडा की गाड़ियों में। दोस्तों जो अपना पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है ना उसका अहम पार्ट होता है ये बैक पैनल, ठीक है, डिक्की बैक पैनल। ज़्यादातर डिक्की बैक पैनल में यहाँ पे होल होते हैं, यहाँ पे अंदर है ना होल होते हैं डस्टिंग होके, तो आपको ये चेक करना है। अगर ये ठुका हुका होगा तो इसमें भी होल होता है, ठीक है, इसमें भी बेंड हो सकता है। तो इससे समझ में आता है कि गाड़ी पीछे से एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर बेंड होगा तो इसमें समझ में आता है कि गाड़ी पीछे से एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है। और उसके अलावा मिडिल स्ट्रक्चर में दोस्तों ये हमारे ये सारे पिलर्स है, ये सारे पिलर्स तो समझ में आते हैं। उसके अलावा ये जो रनिंग बोर्ड के पिलर्स मतलब पंचेस वगैरह होते हैं वो आपको देखना होता है, ठीक है दोस्तों। इससे समझ में आता है गाड़ी आपकी साइड से इम्पैक्ट हुई है नहीं हुई है, ये समझ में आता है अपने को। और उसके अलावा ये जो क्वार्टर पैनल के यहाँ पे अंदर है ना होल होते हैं, यहाँ पे डैमेज होता है, ये भी चेक करने होते हैं। इससे समझ में आता है दोस्तों कि गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है। जैसे इसका दिख रहा है एकदम क्लीन और नीट दिख रहा है ना, इसी तरह का होना चाहिए। अगर यहाँ पे आफ्टर मार्केट कलर या हैमरिंग वगैरह किया होता तो समझ में आता है कि गाड़ी पीछे से लगी है। उसके अलावा दोस्तों ये फ्लोरिंग भी चेक करनी होती है अपने को। अगर टाइम मतलब अपने को हम चेक कर पाते हैं कहीं गाड़ी लिफ्ट करके, तो नीचे से इसका फ्लोरिंग भी चेक करना होता है। यहाँ से नीचे से इसकी फ्लोरिंग अंदर से देखेंगे ना, बेंड है, डैमेज है या होल है, ये देखना होता है, ठीक है। वो भी एक स्ट्रक्चर का अहम पार्ट होता है, वो भी हम लोग को देखना चाहिए जब भी हम गाड़ी इंस्पेक्शन कर रहे हों। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो अपने को गाड़ी लेने के टाइम पे देखनी चाहिए होती हैं दोस्तों। और कुछ स्पेशल चीज़ें हर गाड़ी के लिए अलग अलग होती है चेक करने के लिए, तो स्पेशल गाड़ी पे डिपेंड करता है उस गाड़ी का क्या मतलब इशू हो सकता है। जैसे कि मैकेट्रॉनिक DHG वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें कुछ अलग से चेक करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो यही चीज़ें हैं। अभी कोई भी गाड़ी आप लेने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं दोस्तों। पेट्रोल इंजन चेक करने का और डीजल इंजन चेक करने का तरीका सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस डिपेंड करता है वो गाड़ी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्कोडा की गाड़ियों में डिपस्टिक से धुआं या ऑयल आना कॉमन बात है, वही दूसरी गाड़ियों में नहीं है ऐसा।
अगर डीजल इंजन है और उसमें से डिपस्टिक से थोड़ा धुआं आ भी रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, चल जाता है। लेकिन आपके स्मोक, गाड़ी के जो टेल पाइप है वहाँ से कोई भी तरह का स्मोक नहीं आना चाहिए, ठीक है। टेल पाइप यानी जो एग्जॉस्ट का पाइप है वहाँ से कोई भी तरह का स्मोक नहीं आना चाहिए, चाहे वो ब्लैक स्मोक हो, चाहे वो ब्लू स्मोक हो, चाहे वो ग्रे स्मोक हो, या चाहे वो वाइट स्मोक हो, कोई भी तरह का स्मोक नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी में हमको चेक करनी चाहिए गाड़ी लेने से पहले। अगर कोई इस तरह का स्मोक आ रहा है गाड़ी में तो कस्टमर को बताइए, जिसके भी गाड़ी है, कि भाई आपकी गाड़ी में ये स्मोक आ रहा है, ये पहले चेक करवाइए प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही फिर हम देख सकते हैं या गाड़ी लेने की सोच सकते हैं, ठीक। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे डीलर हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप यूज़ गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं उन डीलर्स या उन वेबसाइट के बारे में सब कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक वेबसाइट मैं जानता हूँ या एक डीलर मैं जानता हूँ जो यूज़ गाड़ियाँ बेचते हैं। उनमें अलग अलग तरह की कैटेगरी की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे अगर वो गाड़ी जिसमें तीन कैटेगरी हैं, अशोर्ड, बजट और एक सेलेक्ट, तीन कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। अशोर्ड गाड़ी उसमें जो होती है उसमें गारंटी होती है कि गाड़ी में इंजन का काम नहीं होगा, गाड़ी का मतलब एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट होगा, ओरिजिनल होगा, उसमें ये अशोर्ड बोल के कैटेगरी होती है। और एक बजट होती है, बजट में मतलब इंजन भी खुला हो सकता है या छोटा मोटा बॉडी का या स्ट्रक्चर का काम किया हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जो रिपेयर किया हो सकता है। एक सेलेक्ट होती है, सेलेक्ट में मतलब पार्शली काम किया होता है, उस तरह की गाड़ी होती है। तो तीन कैटेगरी होती है। वो वेबसाइट का नाम है दोस्तों स्पिनी बोल के, स्पिनी बहुत अच्छी गाड़ियाँ मतलब गाड़ियाँ बनाती हैं। अशोर्ड गाड़ी लोगे या बजट गाड़ी भी लोगे ना, तभी भी आप फ़ायदे में ही रहोगे। आप ज़रूर एक बार स्पिनी की वेबसाइट पर विजिट करके देखिए आपको अगर लेनी है गाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है स्पिनी का, बस मैं चाहता था कि आप जब भी गाड़ी लो आपको मतलब अच्छी गाड़ी मिले, बस इसीलिए मैंने स्पिनी का नाम लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ स्पिनी ही ऐसी वेबसाइट है या ऐसा डीलर है जो अशोर्ड गाड़ी बेचता है, जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन और बॉडी स्ट्रक्चर जो है इंटैक्ट मिलता है, और कहीं भी लेने जाओगे डाउटफुल रहता है, इसलिए मैंने स्पिनी का नाम लिया, बाकी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों मोटा मोटी कि गाड़ी लेने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा कमेंट बॉक्स में। बस यही था वीडियो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You know his name, he's the automotive king, Lalin Sheikh, master of the engineering scene. With his skills and knowledge, he's teaching the game, from the mechanics to the parts. He's